जब दुर्योधन कर्ण के द्वार पर आए तो द्वारपाल ने जाकर उनके आने का समाचार कह सुनाया, तो उसे सुनते ही कर्ण मन में हर्षित होकर प्रेम सहित चलकर प्रणाम करते हुए उनसे आगे आकर मिला और पौड़े बिछवाया, अपने घर में ले जाकर अनुपम आसन पर बैठाया, फिर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी तो दुर्योधन प्रेम सहित बोला, अग्नि वायु की सहायता की कब याचना करता है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि वहाँ उसका मित्र है, इसीलिए वायु अग्नि की सहायता करता है। तुमसे बढ़कर मेरा मित्र और कौन है? मैंने तुम्हारे बाहुबल से संग्राम रचा है। तुम जानते ही हो कि भीष्म जी नाराज है, उनकी बातें सुनकर हे मित्र तुम नाराज हो गए, परंतु हे तात नीति ऐसा कहती है कि बालकों और बूढ़ों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बचपन में बड़ी बुद्धि होती है और वृद्ध अवस्था सब खो डालती है, इससे हे मित्र क्रोध को त्याग दीजिए और उठकर युद्ध कीजिए। तुम हाथ में धनुष बाण लेकर क्रोध सहित युद्ध करो, तुम्हारे बल से मैंने संग्राम रचा है, दुर्योधन ने हंसकर कहा। यहाँ सुनकर कर्ण ने बड़ा सुख माना और उसकी प्रशंसा कर बार बार यहाँ बात कहने लगा कि हे राजन मैं प्रण करके तुमसे यहाँ सच्ची बात कहता हूँ कि प्राण देने पर भी मैं तुमसे उस ऋण नहीं चुका सकता। हे राजन अब तुम निर्भय हो जाओ, तुम्हारी भलाई के लिए मैं वानों का जाल बिछा दूंगा, फिर चाहे वरुण कुबेर इंद्र और याम भी क्यों न चले आए, परंतु मुझसे विजय पत्र ना पाएंगे। ध्रुपद विराट तथा बहुत से राजा लोग उधर है, तथापि पांडव हमारी बराबरी के नहीं है। उन्हें कृष्णदेव क्रोध उत्पन्न कराकर सर्वदा युद्ध ही कराना चाहते हैं। जब से श्री कृष्ण ने कुब्ज को घर में लाकर रखा है तब से वे बुद्धि के हीन हो गए हैं। हे राजन यद्यपि वे कृष्ण मेरे बल को जानते हैं, तथापि कुबरी ने जो बुद्धि सिखला दी है इससे उन्हें मेरा ख्याल भूल गया है। इसलिए हे राजन किसी दूत को भेजकर धर्मराज के यहाँ कहलाइए कि वे या तो आकर युद्ध करें और नहीं तो वन को चले जावे। कर्ण की यहाँ बात सुनकर दुर्योधन ने सुख पाया और उसने वकील उलूक को बुलाकर भेज दिया और सबसे अलग अलग संदेशा कह दिया कि या तो युद्ध करो या देश छोड़ दो, यदि यहाँ संदेश सुनकर तुम नहीं आओगे तो प्राणों को छिपाए रखकर अब नहीं बचोगे, या तो अब शीघ्र आकर तुम युद्ध करो या अस्त्रों को त्याग कर वन को चले जाओ, यदि तुम भयभीत मौन साध कर बैठोगे तो अब हम विराटपुर में ही आते हैं। यहाँ संदेश लेकर उलूक चला और धर्मराज युधिष्ठिर की सेना में आ गया। जब दहलीज पर पहुंचा तो द्वारपाल ने जाकर समाचार दिया कि हे नाथ कुरुनाथ ने अपना वकील भेजा है जो संदेश कहने के लिए आप स्वामी के पास आया है। तब उलूक ने जाकर इस प्रकार वचन कहा सुनाया तो उसे सुनकर धर्मराज ने उसे अपने समीप बुला लिया। वहां जाकर उलूक ने आज्ञा लेकर कहा कि हे राजन दूतों की यहां परंपरा है कि जो संदेश हो वही सच्ची बात कहे, इसलिए हे राजन अब कोई अन्य विचार ना कीजिए और या तो उठकर युद्ध कीजिए
या वन का रास्ता लीजिए। उलूक ने कहा, हे राजन, अब आप कर्ण और राजा दुर्योधन का संदेश कान देकर सुनिए कि कौरव और पांडव के वानों से सारी पृथ्वी और दसों दिशाएं आच्छादित हो जाएगी, अर्थात ढक जाएगी। जब तुम क्षमादान की पुकार करते हुए शरण में आओगे, तब जीवन का दान पाओगे। और यदि तुम कृष्ण चंद्र के भरोसे पृथ्वी पर रहना चाहते हो तो दुर्योधन के क्रोध से ना बचोगे। और यदि तुम राज पदवी के लिए क्रुद्ध हो तो यदि अपनी भलाई चाहते हो तो उसे त्याग दो। यदि हमारी बात ना मानकर उठकर लड़ोगे तो कृष्ण सहित तुम सभी मारे जाओगे। यहाँ सुनकर भीम के हृदय में क्रोध व्याप्त हो गया। वह कहने लगे, हे पापी, संभाल कर वचन नहीं बोलता है। भीम की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने हाथ में तलवार उठा ली। तब श्री कृष्ण जी ने मना किया और भीम का हाथ पकड़ लिया तथा यहां कहा कि दूत का घात नहीं किया जाता। यद्यपि वकील लोग कटु वचन कहते हैं, तथापि राजा क्रोध नहीं करते। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण जी ने भीम को मना किया और उलूक भयभीत होकर वहां से भाग गया। तब उसे निकट बुलाकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने समझा कर यहां बात कह दिया कि तुम दुर्योधन से जाकर यहां कह देना कि अब हम तुरंत ही आते हैं। अब इस बात को तुम व्यर्थ ना जानना। सुनो, मैं श्री कृष्ण जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि प्रातःकाल होते ही आऊंगा। तुम अपने पराक्रम की संभाल करो और करोड़ों उपाय करोगे तो भी ना बचोगे। ऐसा कहकर उलूक को लौटा दिया। वहां चला तो सही, परंतु उसके हृदय में बड़ी शंका उत्पन्न हो गई। वहां रथ पर बैठकर तुरंत ही चला और हस्तिनापुर के नगर में चला आया। द्वार मार्ग पर सवारी को त्याग दुर्योधन की सभा में चला गया। वहां भीष्म, द्रोण, कर्ण सहित सभी राजा और सभा के मध्य में दुर्योधन विराजमान थे। उस विशाल राजमंडली को देखकर उलूक सबको जुहार जुहार कर जा बैठा। दुर्योधन ने पूछा, क्या पांडवों ने कुछ कहने के लिए संदेश भी भेजा है और क्या तुम उसके कुछ समाचार भी लाए हो? तब उलूक हंसकर यहां वचन बोला कि हे राजन, युधिष्ठिर ने स्पष्ट यहां दो बातें कही है कि हम आ रहे हैं, तुम तैयार हो, इसलिए युद्ध करो। कोई अन्य विचार नहीं है। सारी सभा में हम तुम्हें सुनाते हैं कि सजग हो जाओ, युधिष्ठिर आ रहे हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की शपथ कर यहाँ बात कही है कि हे राजन, अब देर नहीं है, प्रातःकाल होते ही आ जाऊंगा। हे राजन, यहाँ संदेश सुनो जिसे मैं छिपा नहीं सकता। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वहाँ करो। यहाँ सुनते ही कर्ण क्रुद्ध होकर बोला और फिर सबको सुनाते हुए दुर्योधन से यहाँ बात कही कि हे राजन, अब यहाँ जो कठिन काल द्वारा प्रेरित धर्मराज मेरे समीप आ रहा है, तो युद्ध के समक्ष श्री कृष्ण और अर्जुन के आने पर मैं सबको मार कर यमलोक को भेज दूंगा। बाणों का पिंजड़ा बनाकर भीम को दबा दूंगा और सब पांडवों को मार कर विचलित कर दूंगा। मेरी तो इच्छा यहाँ है कि युधिष्ठिर को बांध कर आपको विजय पत्र लिखवा दूंगा, क्योंकि पांडव मेरे वानों को ना सह सकेंगे। इसलिए हे नर नायक, अब तुम निर्भय हो जाओ।